लवली स्टूडेंट इज मान सी वेलकम बैक टू दी चैनल सो एज यू ऑल नो अगर आपने अभी तक देख लिया होगा मैंने कमेटी पोस्ट भी किया था आप लोगों के लिए सी ने अपनी वेबसाइट पे प्रैक्टिस पेपर्स जैसे पहले एक बार सितंबर में किए थे अब भी फिर से दो आपके पास हर सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर्स की तरह आएगा प्रैक्टिस पेपर्स है जो कि ये रहा हमारा क्लास टेंथ का कॉलम ये लिंक है आप देख सकते हो यहाँ पे वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी मैंशन कर दूंगी तो वहां से भी देख लेना सो so, साइंस का मैथ्स का हिंदी ए बी इंग्लिश सोशल साइंस सबके आपके पास दो दो एक्स्ट्रा सैंपल पेपर्स की तरह समझ लो प्रैक्टिस पेपर की तरह समझ लो ये बेसिकली आते हैं कि भाई आपको एक अंदाजा हो जाए कि इस तरह का आपका एग्जाम आने वाला

अच्छा खासा सॉल्यूशन है अच्छी खासी इसमें प्रैक्टिस चाहिए ऐसा नहीं कि अरे एम सी की तो ट्वेंटी मार्क्स बहुत आसान होंगे नहीं भाई पूरे फुल फ्लेज क्वेश्चन होते हैं उल्टा यहाँ ज्यादा अटकते हो बिकॉज वैसे तो आंसर लिखाते हो कुछ भी यहाँ पे मान लो भाई तुम्हारा जो आंसर है वो चारों ऑप्शन में है ही नहीं और बच्चा डर जाता है कि यार इसका मतलब तो मेरा आंसर ही गलत आ रहा है चारों ऑप्शंस में से एक भी नहीं है सो इन क्वेश्चंस की आपको थॉरली प्रैक्टिस करनी है बार बार मैं बोल रही हूँ मुझे यहाँ पे जब मैं इस तरीके से सीबीएसई के एग्जाम्पल पर देखती हूँ ना द थिंग जिससे मुझे बहुत अच्छा ही हमें बोल सकती हूँ संतुष्टि होती है वो ये है कि इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने अपनी वन शॉट बुक में एंड इस टाइप के सैंपल पेपर्स मैंने अपनी सैम्पल पेपर बुक में डाले हैं इस बार हमने टेंथ क्लास के लिए बहुत मेहनत करी है एंड अब ये चीजें देख के हमें सेटिस्फेक्शन होता है भाई कि एग्जाम इसी तरीके से आ रहा है ये क्वेश्चन बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो हमने बुक्स में दे रखे हैं सो तो बच्चे अगर उन बुक्स को अच्छे से कितने बच्चे ले चुके हैं इतने बच्चों की मेरे पास पिक्चर्स आ चुकी हैं आई एम ग्लैड अगर आप उसमें से प्रैक्टिस कर रहे हो बिकॉज एग्जाम में यहाँ पे जब आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन आएंगे आ रखी है एनसीआरटी कह लो अपना एग्जाम्पलर कह लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कह लो उस सभी का मर्ज करके हमने उसमें डाल रखे वन शॉट ले लो या सैम्पल पेपर ले लो ठीक है ऑल्सो अब देखो ये पैटर्न समझ में आ गया इसी में ही फर्स्ट सेक्शन में एसर्शन रीजनिंग के भी क्वेश्चन आ जाएंगे देखो यहाँ लास्ट में आते आते ना ये हमारे पास इसमें नहीं है ये नहीं ये ट्वेंटी क्वेश्चन ये दोनों रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए ठीक है सेम वही फॉर्मेट इस वाले प्रैक्टिस पेपर में भी चलेगा ठीक है कुछ डिफरेंस नहीं है सेम वही है आपकी प्रैक्टिस के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा है इसकी भी प्रैक्टिस करना अच्छा ठीक है एक चीज मैं और दिखाती हूँ इसको बिल्कुल इस टाइप के यहाँ पे देखो जैसे सेक्शन बी डिवाइड हुआ ना कि यहाँ पे भाई हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे इसमें मैं आपको दिखाती हूँ इन्होंने पूरा डिवाइड करके दिखा रखा है सो so, इसको ऊपर कर लेते हैं ये तो हमारा सेक्शन वन ही चल रहा है अगेन भाई बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है अगर आप उन बुक्स में से कर रहे हो आई एम वेरी ग्लैड कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इसमें फटाफट -फड़ से इसको आगे कर देती हूँ चलो 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 ठीक है यहाँ पे ट्वेंटी क्वेश्चन खत्म हुआ सेक्शन बी में हमारे आगे वेरी शॉर्ट तो यहाँ पे भैया जब आप वन शॉर्ट बुक जिन बच्चों के पास है आप देखोगे तो उसमें ऑलरेडी अलग अलग कॉलम्स बने हुए हैं कि ये एम वाले हैं ये वेरी शॉर्ट वाले हैं ये लॉन्ग वाले हैं ये शॉर्ट वाले हैं ये केस बेस्ड स्टडी वाले हैं सो so, हर चैप्टर की आपकी प्रैक्टिस इन टाइप के क्वेश्चन की हो जाएगी एंड इसको बिल्कुल नीचे अगर मैं ले आऊ ना तो हमारे पास आएंगे केस बेस वाले क्वेश्चन दो चीजें का इसमें आपको ध्यान रखना है ये जितने भी हमारे केस बेस वाले क्वेश्चन होते हैं मैं एक बार ऊपर ले जाती हूँ देखो कितना क्वेश्चन होता है सो दैट मींस ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं बिकॉज आपको पूरी इन्फॉर्मेशन एक पैराग्राफ में पढ़नी है ऐसा नहीं कि चार लाइन में आपके पास पूरा क्वेश्चन उसको सॉल्व करो तो इतना लंबा एक तो टाइम कंज्यूमिंग होता है और कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो जब आप इन टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे अब चाहे यहाँ पे दो क्वेश्चन आए केस बेस स्टडी आपको तो नहीं पता किस चैप्टर से आए हैं सो so, आपको हर चैप्टर में किस तरह का केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन आ सकता है उसकी प्रैक्टिस करनी है एंड मैं बार बार बोलूंगी वो भर भर के क्वेश्चन हमने डाले हैं वन शॉर्ट बुक में ताकि आप उस चीज की प्रैक्टिस कर सको ठीक है एंड सैंपल पेपर्स तो आपके पास हैं ही जैसे ये प्रैक्टिस पेपर है ऐसे ही आपके पास सैंपल है पेपर्स हैं और न्यू पैटर्न बेस्ड हैं ठीक है सो आई होप आपको ये देख के जो बच्चों के पास बुक्स है उनको थोड़ा सा सैटिस्फेक्शन हुआ होगा कि एकदम से नए क्वेश्चन नहीं लगे होंगे देखे हुए हो क्वेश्चन लगे होंगे ठीक है so, सो मैं नीचे लिंक में वेबसाइट का लिंक डाल दूंगी जहाँ से आप ये आप, जो प्रैक्टिस पेपर है वो डाउनलोड कर सकते हो ऑल्सो मैं बुक्स का लिंक भी डाल दूंगी एंड टाइम तक भी अगर आपने नहीं लिया तो आप देख सकते हो एंड जिस बच्चों को कंफ्यूजन है कि मैं हम बुक ले है जो पे है, आप वो देख सकते हो लिंक भी मैं यहाँ कर दूंगी ताकि आपकी वो कंफ्यूजन दूर हो जाए क्वेश्चन okay, so है इनको भी हम आगे जाके भी एग्जाम टाइम पास आ रहे हैं इनको भी सॉल्व करेंगे एंड आप लोगों को जहां जहां क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है वो सब डिस्कस करेंगे